अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयां हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन। मालेगांव, नासिक, धूलिया, नंदुरबार और जलगांव जिला की कुछ खास अहम खबरों पर बात करते हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त मालेगांव शहर से पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि मालेगांव में एक इलाका है आयशा नगर से लगकर बिस्मिल्ला नगर। बिस्मिल्ला नगर में कुछ इसी हफ्ते में कुछ दिन पहले ज़बरदस्त आग लगी थी, जिसमें तकरीबन 9 मकानात जल गए थे। 11-12 मकानात को नुकसान पहुँचा, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। 11 मई को यानी गुज़िश्त कल मालेगांव मदनी रोड जमीयत उलमा का एक वफद ने बाकायदा इस इलाके का दौरा किया और आग मुतासरीन की दादरसी की, उनको ढारस बंधवाई और बाकायदा बंद लिफाफे में मकानात की तामीर के लिए भी जमीयत उलमा मदनी रोड ने ज़बरदस्त अंदाज में उनका तआवुन किया और बंद लिफाफे में मकानात की तामीर के लिए रकम दी। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा मुल्क की ऐसी सबसे बड़ी वाहिद तंजीम है कि ज़मीनी आफात हो, आसमानी आफात हो, दंगे हो, फसादात हो, सबसे पहले जमीयत उलमा वहाँ पर पहुँच जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी मालेगांव जमीयत उलमा मदनी रोड का वफद पहुंचा। इस वफद में बाकायदा मौलाना इमरान साहब, मौलाना मसूद, हाजी यूसुफ साहब, नेशनल निसार काजी, मौलाना अब्दुल कय्यूम जमाली, मौलाना मुख्तार, दीगर अफराद शामिल थे। इन तमाम लोगों ने मुनज़्ज़म अंदाज में मनसूबाबंद तरीके से इन मुतासरीन को माली तआवुन किया, माली मदद की। अल्लाह ताला जमीयत उलमा की कोशिशों को बे इंतहा कामयाब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूँ कि जैसे जमीयत उलमा, मैंने कहा कि हर जगह पहुँच कर सबसे पहले तआवुन करती है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के खरगोन में रमज़ान में जो फसादात फूटे और वहाँ पर मुसलमानों की दुकान मकान को आग लगाया गया और न जाने कितना आतंक का नंगा नाच वहाँ पर खेला गया, जमीयत उलमा वहाँ भी पहुँच गई है, बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैंने वायरल न्यूज़ लाइव के ज़रिए से उन तमाम ख़बरों को बताया था, लोगों ने काफ़ी दुआएँ दी और आइंदा कल मैं ख़ुद भी जमीयत उलमा जलगांव का सदर होने के नाते जलगांव शहर से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 6-7 लाख रुपए का तआवुन लेकर मैं खुद यहां से अपने पूरे वफद के साथ, जिसमें अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब रहेंगे और भी हमारे हाफिज दुर्रहीम पटेल रहेंगे और भी लोग रहेंगे, मैं खुद कल खरगोन पहुंच रहा हूं। तो यह है जमीयत उलमा का काम। और जमीयत उलमा का एक काम सबसे सुनहरा यह भी है कि ऐसे मौके पर जमीयत उलमा जात और धर्म नहीं देखती है, बल्कि मजलूमीन की, मुतासरीन की मदद करती है। जी हाँ, नासिक से एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि किसानों ने तकरीबन सोयाबीन बीज के तकरीबन 900 करोड़ रुपए किसानों ने बचाए हैं। नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि जो नई तकनीक है इसको पूरे राज्य के किसानों तक पहुंचाया जाएगा और पहुंचाया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो अक्सर ये भी कहता हूं, अक्सर मेरे आपने बयान में सुना होगा कि मैं ये कहता हूं कि आप पढ़िए
शिक्षा हासिल, एजुकेशन हासिल कीजिए, चाहे आप रिक्शा चलाएं, चाहे आप किसान बने। देखिए, अगर किसान भी पढ़ा लिखा रहेगा तो वो अपने उस नॉलेज, अपने उस शिक्षा, उस एजुकेशन के ज़रिए से बाकायदा नई नई टेक्निक के ज़रिए से कुदरत ने जो सिस्टम बनाया है उसका फ़ायदा उठा पाएगा। जैसे ये खबर बता रही है कि किसानों ने तकरीबन सोयाबीन बीज के 900 करोड़ रुपये बचाए हैं। अब इसी नई टेक्निक को पूरे राज्य तक पहुँचाने की बात की जा रही है और पहुंचना भी चाहिए। आइए अब ऐसे ही एक ही खबर है धुलिया शहर की भी। जी हाँ, धुलिया की एक बड़ी खबर फिलहाल मेरे निगाह के सामने ये आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह धुलिया शहर में भी वक्फ बोर्ड रजिस्ट्रेशन के 3 रोजा कैंप का गुज़िश्ता कल कामयाब इख्तिताम अमल में आया। आपको मैं बता दूं कि आमदार विधायक हरदिल अजीज एमएलए डॉक्टर फारूक शाह साहब की मेहनत रंग लाई और मालेगांव, धुलिया, नंदुरबार, जलगांव के लोगों ने भी इससे फ़ायदा उठाया। 3 रोज का वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन का कैंप था जिसमें मस्जिद है, कब्रस्तान है, ईदगाह है, जो भी वक्फ की ज़मीनें हैं इनके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी बेशी है तो उसको पूरा करने के लिए ये कैंप लगाया गया था, ताकि हम अपनी वक्फ की जायदादों को महफूज कर सकें, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये 3 रोजा वक्फ रजिस्ट्रेशन का कैंप कामयाब तरीके से इसका इख्तिताम अमल में आया। धुलिया शहर में कुल 45 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तकसीम की गई। धुलिया जिले के साथ साथ मालेगांव, नंदुरबार, जलगांव और नासिक के मसाजिद के ट्रस्टियान ने भी इस कैंप में हिस्सा लिया, फायदा हासिल किया। कागजात की नोटरी का इंतजाम भी एमएलए ऑफिस पर ही किया गया था, जिसके लिए एडवोकेट परवेज निसार तंबोली की खिदमत हासिल की गई थी। इसी तरह गुज़िश्ता पीर और मंगल के रोज मालेगांव शहर में 2 रोजा कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसमें 70 और दूसरे दिन 100 मसाजिद के ट्रस्टियान ने इस कैंप से फायदा हासिल किया। आइए नाज़रीन, नंदुरबार शहर और नंदुरबार ज़िला से कोई ख़ास अहम बड़ी खबरें फ़िलहाल निगाहों के सामने नहीं हैं। आइए बात करते हैं अब डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की कुछ ख़ास बड़ी अहम खबरों पर। आइए नाज़रीन, जलगांव ज़िले की सबसे बड़ी अहम खबर फ़िलहाल मेरे निगाहों के सामने है। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र भर में बोगस शिक्षक भर्ती, ये मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था पूरे महाराष्ट्र भर में, और हज़ारों की तादाद में जो है वो बिल्कुल जाली मुअल्लिम की भर्ती का मामला सामने आया था। अभी जलगांव ज़िले की ये खबर आ रही है कि बोगस शिक्षक भर्ती मामले में 11 लोगों के खिलाफ आखिर मामला दर्ज हो गया है, गुनाह दर्ज हो गया है। आरोपी में 2 वरिष्ठ अधिकारियों का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में आपको बता दूं कि सावदा एंग्लो उर्दू स्कूल शिक्षक भर्ती प्रकरण का ये मामला काफ़ी गर्माया है और संस्था चालक ऐसे ही शिक्षण अधिकारियों का भी इसमें नाम शामिल हुआ है और 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आइए नाज़र, ऐसी जलगांव ज़िले के रावेर से हमारे रिपोर्टर जाकिर खान ने बताया कि एनपुर महाविद्यालय में योगा एक दिन का बाकायदा योगा शिविर लिया गया, कॉन्फ्रेंस ली गई, एक प्रोग्राम लिया गया जिसमें योगा के जिस्म पर पड़ने वाले अच्छे असरात और योगा की अहमियत, योगा के फ़ायदों के ताल्लुक से डिटेल में तमाम लोगों को बताया गया। इस मौके पर बाकायदा तमाम ही शिक्षकों ने और स्टूडेंट्स ने और गांव वालों ने भी इस योगा शिविर में हिस्सा लिया। आइए, जलगांव शहर की एक अच्छी खुश कर देने वाली खबर फिलहाल मेरे निगाहों के सामने है। जी हाँ, जलगांव के मुगल गार्डन में मैं आपको बता दूं कि जावेद शेख साहब की भांजी का निकाह बहुत ही सादा, सिंपल और सुन्नत तरीके के मुताबिक गुज़िश्ता कल बिल्कुल कम खर्च में अंजाम दे दिया गया। शरबत पर निकाह हो गया, शरबत पर शादी हो गई। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि जनाब फारूक कादरी साहब ऐसे ही इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हाजी रहमान हैं, रहमान साहब है, चिराग चाचा है, नाजिम भाई है, जफर भाई है, रजा भाई और धुलिया के इमरान भाई, शौकत सैयद, सलीम खान साहब, ये तमाम लोग शामिल रहे और मशवरे से बाकायदा इन्होंने एक अच्छा नेक काम अंजाम दिया। आप जानते हैं कि निकाह के ताल्लुक से प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि जो निकाह कम खर्च वाला होगा वो बरकत वाला निकाह होगा। काश के पूरी उम्मत इस चीज़ को
समझ जाए। खैर, इन तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने भी इस निकाह को इस तरीके से, सुन्नत तरीके से अंजाम देने में मेहनतें की है, मैं, मेरी अपनी पूरी टीम जमीयत उलमा ज़िला जलगांव की तरफ से और वायरल न्यूज़ लाइव और साप्ताहिक हिंदी नदवी टाइम्स की पूरी टीम की जानिब से फारूक कादरी साहब और ये पूरी की पूरी टीम को हम दिल की गहराइयों से उनके इस अच्छे काम पर मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। और इस खबर को दिखाने का मकसद ये भी है कि और भी लोग इसी तरीके से निकाह को आसान करने की कोशिश करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, निकाह आसान होगा तो जिना, हरामकारी, बदकारी मुश्किल होगी। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम निकाह को आसान करें, जिना को ख़त्म करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुहिम को खूब फैलाएं। नाज़िर, आप जानते हैं कि जलगांव ज़िले के एसपी साहब लाडले हरदिल अज़ीज़ एसपी मोहतरम परवीन मुंडे साहब की मेहनतें रंग लाई और नफ़रती भोंगे तो काफ़ी बजाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जलगांव ज़िला बड़ा पुरअमन शांत पूर्व रहा। ईद और हिंदू भाइयों के भी दोनों त्यौहार बड़े पुरअमन तरीके से गुजर गए। तो 7 मई को गालिबन एसपी साहब ने एक शानदार हस्ताक्षर मुहिम, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो हम सब एक है जाति सलोखा का एक प्रोग्राम पूरे ज़िले में चलाया था, जो बहुत कामयाब रहा। उसी प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जलगांव शहर में जो प्रोग्राम हो रहा था, उस वक्त जलगांव पुलिस के 2-3 जवान हैं जिन्होंने उस प्रोग्राम में राष्ट्रीय एकता पर, प्यार मोहब्बत अमन के बहुत प्यारे प्यारे गीत वहाँ पर गाए। तो उन गीतों से बड़ा मज़ा आया और बड़ा हसीन मंजर लग रहा था। तो हमने अपनी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से, मेरी फाउंडेशन मुफ्ती हारून नदवी फाउंडेशन और वायरल न्यूज़ लाइव और साप्ताहिक हिंदी नदवी टाइम्स की जानिब से उन दोनों पुलिस एहलकारों को हमने 1000 रुपये का इनाम दिया, जिस पर उन्होंने खुशियों का इजहार किया। और मुनासिब था कि यह खबर भी हाईलाइट हो, क्योंकि ऐसे ही अमन के भोंगे और अमन शांति एकता के गीत बजाने की और गाने की फिलहाल मुल्क को जरूरत है। और महाराष्ट्र में काफी नफरती भोंगा बजा और माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन महाराष्ट्र के हिंदू भाइयों को सलाम करता हूं, महाराष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट शासन प्रशासन को हम सलाम करते हैं कि नफरती भोंगों को उन्होंने कामयाब होने नहीं दिया। आइए नाज़रीन, जलगांव ज़िला और जलगांव शहर की एक और अच्छी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र राज्य सरकार की जानिब से अलग अलग पुरस्कार हिम्मत अफजाई और हौसलों को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि इस साल राज्य सरकार का ज़िला युवा पुरस्कार, राज्य सरकार का जिला युवा पुरस्कार मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को ही प्रदान किया गया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के जिम्मेदार जनाब फेरोज़ भाई, मुझे गुज़िश्त कल भी उनकी मेरी कलेक्टर ऑफिस के पास, आकाशवाणी के पास मुलाकात हुई। उन्होंने तफसीली तौर पर यह बताया कि ये पुरस्कार 2019-20 का जलगांव ज़िला युवा पुरस्कार जो है वो भी उनकी फाउंडेशन को दिया गया। और इस मौके पर पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल, कलेक्टर अभिजीत राव साहब, ऐसे ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण मुंडे साहब, मेयर जयश्री ताई महाजन, जिला खेल अधिकारी मिलिंद दीक्षित साहब, परियोजना अधिकारी विजय सिंह प्रकल्प और तमाम ही अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। और ये भी पुरस्कार जो है मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को मिला है। हम मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, फिरोज़ भाई और उनकी पूरी टीम को वायरल न्यूज़ लाइव की जानिब से भी, साप्ताहिक हिंदी नदवी टाइम्स की जानिब से भी मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। और हम दुआएं करते हैं कि ये फाउंडेशन ऐसे ही आगे बढ़ें और समाज सेवा, मुल्क सेवा और मानवता के लिए खूब काम करें। आइए नजर, इस वक्त जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की एक और बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जलगांव ज़िला की 17 साल (17 ईयर एज) की लड़कियों की फुटबॉल टीम का भी इंतखाब कर लिया गया, ऐलान कर दिया गया। ये टीम जलगांव ज़िला फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहतरम फारूक शेख साहब ने डिक्लेयर की। इस समय एसोसिएशन के इम्तियाज शेख, प्रोफेसर डॉक्टर अनीता कोले, ताहिर शेख, अब्दुल मोहसिन इस मौके पर हाजिर थे। और वहीं पर मैं आपको बता दूँ कि इस टीम के कोच हमारे जलगांव मेहरून के राहिल और टीम मैनेजर मोसेस चार्लेस भुसावल, इनकी नियुक्ति की भी घोषणा मोहतरम फारूक शेख साहब ने इस मौके पर की है। इस टीम की कप्तान भुसावल की शीतल सहानी रहेगी। और उन्होंने यह भी बताया है कि यह 18 लड़कियों की टीम है
18 लड़कियों की टीम इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलने नासिक के लिए रवाना हुई है। उनका पहला मुकाबला वाशिम जिले के साथ है। हम तो दुआएं करेंगे कि हमारी अपनी टीम, हमारे अपने शहर और हमारे अपने जिले की टीम जो है वो जीत कर फाते होकर आए।